चालू करें। आज के इस वीडियो में हम आपको पेटेंट का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन के आगे का जो भाग है उसके ऊपर वीडियो है, वीडियो लेक्चर है। तो जिस पॉइंट को हम कवर करेंगे वो है ड्राइंग्स, फ्लोचार्ट्स, ब्लॉक डायग्राम्स, सर्किट डायग्राम्स। हमेशा अपने काम को बताने के लिए डायग्राम की मदद लेनी पड़ती है। पेटेंट में डायग्राम्स को बताना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेटेंट है तो कुछ ड्राइंग्स आएंगी, डिजाइनिंग का पेटेंट है तो कुछ ड्राइंग्स आएंगी, कंप्यूटर का पेटेंट है तो बट ऑब्वियस फ्लोचार्ट्स आएंगे, या किसी फ्लोचार्ट्स दूसरे क्षेत्रों में भी काम में आते हैं। ब्लॉक डायग्राम्स आएंगे। ब्लॉक डायग्राम जो होता है वो मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ तो आप समझेंगे ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। कई बार एक सिस्टम में कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हार्डवेयर है तो ये वाला हार्डवेयर है, फिर दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद पास में हमने सॉफ्टवेयर बनाया तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर। अब तीसरा कंपोनेंट जो है वो है इंसर्ट, शेप्स में जाते हैं अपन। मान लीजिए कि यूजर है तो यूजर इंटरफेस, जिस इंटरफेस के माध्यम से यूजर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा। तो ये तो तीन पार्ट्स हो गए या कंपोनेंट्स हो गए। अब इनका आपस में इंटरकनेक्शन भी होता है तो हम इंटरकनेक्शन भी बना देते हैं यूजर का हार्डवेयर से और हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर से। तो डेटा हार्डवेयर की तरफ आता है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ आता है, यूजर से हार्डवेयर की तरफ जाता है, हार्डवेयर से यूजर की तरफ आता है। तो ये इंटरकनेक्शन है। तो ये एक तरह का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें डिटेल्स नहीं बताए गए हैं लेकिन कंपोनेंट्स और उनके इंटरकनेक्शंस बताए गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेटेंट है तो वहां सर्किट डायग्राम्स, जो डिजिटल सर्किट डायग्राम्स हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो ड्राइंग्स और डायग्राम्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है कि किस एरिया में, किस नॉलेज एरिया में, किस इंजीनियरिंग की ब्रांच में या किसी और एरिया में पेटेंट बनाया गया है तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम्स सिलेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हम इस सेक्शन का के ऊपर बात जो की उसको अपन कंक्लूड करते हैं। अगला सेक्शन जो है वो है नॉवेल इन्वेंटिव फीचर्स एंड क्लेम्स। देखिए, प्रोडक्ट जो भी बनाया जाता है उसमें कुछ नए फीचर्स होंगे तभी प्रोडक्ट बनाया जाता है। आज की तारीख में आज के कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए तो पहले स्टडी की जाती है कि आज के कस्टमर क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और उसकी टेक्नोलॉजीज और उसके फीचर्स और फंक्शंस तय किए जाते हैं। अधिकतर वो टेक्निकल होते हैं भाषा में लेकिन उनको सेमी लीगल या लीगल भाषा में लिखा जाता है, उनको क्लेम्स कहते हैं। जब टेक्निकल भाषा में हम लिखते हैं तो वो इन्वेंटिव फीचर्स होते हैं और जब उन्हें हम लीगल और क्लेम्स लिखना जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसका एक अपना सेक्शन होता है पेटेंट की एप्लीकेशन में। और इसके अंदर अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन्वेंटिव फीचर्स आर न्यू डिफरेंशिएटिंग फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ क्लेम्स। तो इन्वेंटिव फीचर्स जो होते हैं वो पुराने प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट किस प्रकार से नया है, कहां कहां नया है, क्या क्या नया है और टेक्नोलॉजी क्या यूज की गई है, नया कंप्यूटर हार्डवेयर यूज किया गया है या दूसरे प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है फंक्शंस में या फीचर्स में, ये सारी बातें इन्वेंटिव फीचर्स में आती हैं। दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। जब हम रिसर्च करके
इतने सारे इन्वेंटिव फीचर्स बनाते हैं हमारे नए प्रोडक्ट में, तो उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है। इन्वेंटिव फीचर और क्लेम्स वो क्षेत्र होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जिनमें कि हमारा प्रोडक्ट गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि कोई इस प्रकार का प्रोडक्ट या इस प्रकार का डिज़ाइन दूसरा जना एज इट इज़ ना इस्तेमाल कर ले हमारा, या उस तरह का प्रोडक्ट ना बना ले। इसके लिए हम जो भी मेहनत करके, रिसर्च करके नए फीचर्स, इन्वेंटिव फीचर्स बनाते हैं, उनको क्लेम्स के फॉर्म में लिखते हैं हमारी पेटेंट एप्लीकेशन में। और एक बार जब हमें पेटेंट मिल गया, तो दूसरा जना, दूसरा कोई भी जना इस प्रकार का प्रोडक्ट नहीं बना सकता। यही क्लेम्स का प्रयोग है, उपयोग है। द क्लेम्स डिफाइन विच सब्जेक्ट मैटर इज प्रोटेक्टेड। कई बातें हम पेटेंट एप्लीकेशन में लिखते हैं, पर क्लेम के सेक्शन में जो लिखते हैं वो सारी चीजें गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड की जाती हैं, प्रोटेक्ट की जाती हैं। और ए पेटेंट क्लेम इज टिपिकली कम्युनिकेटेड एज ए डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट ऑफ टेक्निकल फैक्ट्स। यूजुअली हम नई टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट में नए टेक्निकल फीचर्स डालते हैं, और इन सारी टेक्निकल फैक्ट्स को हम लीगल टर्मिनोलॉजी के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं क्लेम सेक्शन में। आउटलाइनिंग द स्कोप ऑफ द इन्वेंशन, देखिए हम जितना चीज प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उतना उसका पेटेंट का या क्लेम का स्कोप कहलाता है। सारी दुनिया भर की चीजें हम प्रोटेक्ट नहीं करवाते, जो हमने इन्वेंशन किए हैं या इनोवेशन किए हैं उनको क्लेम में लिखते हैं और उन्हीं को हम प्रोटेक्ट कराते हैं, उतना ही प्रोटेक्ट कराते हैं। अगर सारी चीज प्रोटेक्ट करा लेंगे तो दूसरे लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा।